शनि देव को खुश करने के 5 आसान तरीके, जाने ये उपाय जिससे आप शनि देव को खुश कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक गुस्सा शनि देव का माना जाता है। लोग इन्हें शांत रखने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में यह ग्रह गलत भाव में होता है, उनके कष्टों की कोई सीमा ही नहीं होती है। अगर अच्छे भाव में इनकी मौजूदगी व्यक्ति को हर सुख और वैभव से संपन्न भी बना देती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार को मंदिर में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं या तेल का दीपक जलाते हैं। कुछ लोग शनि की शिला पर तेल चढ़ाते हैं, काला कपड़ा, काला तेल या काली उड़द की दाल का भी दान करते हैं। मगर एक सच यह भी है कि यह देव आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। इन्हें खुश करने के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। जैसे शनिवार के दिन कौवों को काले गुलाब जामुन खिलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। दूसरा, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए यूं आज भी काले कुत्ते को रोज रोटी खिला सकते हैं। तीसरा, शनिदेव बजरंग बली की पूजा करने से शांत होते हैं। एक ही दिन शनिदेव और बजरंग बली दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत और पूजा करें और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव का प्रकोप टल जाता है। चौथा, शनिदेव को काले रंग से बहुत प्रेम है और वे वैसे ही वस्तुएं, वैसे ही पशु और वैसी ही जगह पसंद करते हैं। इसलिए यथासंभव शनिवार को काले रंग के पक्षियों को भोजन करवाएं, काली चीज़ों या लोहे की वस्तु का दान करें। पांचवा, शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और वो तेल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में शनि चालीसा, शनि मंत्र और शनि जी की आरती गाएं। धन्यवाद।